वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक टमाटर, थोड़ा सा पालक, एक गाजर और आधा नींबू। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से धुल के साफ कर लिया और गाजर को मैंने छील लिया है। एक कप पानी, आधा चम्मच काला नमक और भुना हुआ जीरा साथ में मैंने इसको पीस लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जूस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम टमाटर को छोटा छोटा काट लेंगे। काटने के बाद हम गाजर को भी थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को कद्दूकस करने के लिए आप महीन या मोटा कोई भी कद्दूकस यूज कर सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा रफली कद्दूकस करना होता है क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको पकाएंगे तो वो पक जाएगा अच्छे से। कद्दूकस कर लिया है, अब हम पालक को भी काट लेंगे। पालक को भी हम रफली काटेंगे, बहुत हमको महीन नहीं काटना है। सारी चीजों को मैंने काट के तैयार कर लिया है। एक बड़े कप जूस के लिए इतनी सामग्री पर्याप्त होती है, इससे बहुत ही अच्छा जूस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ पर जूस बनाने के लिए मैंने एक कुकर लिया हुआ है। कुकर में मैं एक बड़ा कप पानी इसमें डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और जो मैंने सारी सामग्री काटी हुई थी वो सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। सारी चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। अब इसके ढक्कन को हम बंद कर दें। कुकर के ढक्कन को मैंने बंद कर दिया है। 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे बंद रखेंगे। जब 4 सीटी आ जाएंगे तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को उतार लेंगे। जब इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा तो हम जूस को छान लेंगे। वैसे तो आप इसे किसी खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और खुले बर्तन में थोड़ा सा टाइम लगता है। का प्रेशर खत्म हो चुका है, अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। जूस बनकर तैयार है, अब हम इसे एक बाउल में एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। के लिए बहुत ही लाभकारी है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये जूस बहुत ही फायदेमंद है। अब इसे हम एक ग्लास में निकाल लेंगे। ग्लास में निकाल लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए नींबू डालेंगे। नींबू को हमने निचोड़ दिया है, अब हम इसमें काला नमक और पिसा हुआ जीरा जो हमने पहले से तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। गाजर टमाटर का जूस बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स,
इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह खून की कमी को भी बढ़ाता है। अगर आप इसे रेगुलर पीते हैं तो हफ्ते में आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। और इसमें आप मौसम के हिसाब से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे चुकंदर है, खीरा है और लौकी है। इन सारी चीजों को भी आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।